शिवाय की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य और गुरुदेव जी, अर्चनी वन्नी सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, आप सभी को विदित है कि आज गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सब इकट्ठा हुए हैं और साथ साथ गुरुदेव जी एवं संतों का आगमन हुआ है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है, आज हम सबको यह अवसर मिला है। गृह प्रवेश, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मकान उद्घाटन भी कहते हैं। मकान किसे कहते हैं? मकान होता है छड़, सीमेंट, गारा, चूना, रेत, ईंट से बनाया गया इमारत को मकान कहा जाता है। ये अब तक ये मकान था ये, क्योंकि चूना, सीमेंट, छड़ से बना हुआ यह मकान था, घर नहीं था ये। लोग इसे मकान कहते थे और इस मकान को बनाने में जितना अच्छा मसाला डाला गया है उतनी ही अच्छी इस मकान के लाइफ होती है। जितना खराब मसाला रहेगा उतना ही कम लाइफ होगा। और ईंट लगाने के बाद ईंट से ईंट को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? सीमेंट, रेत का मसाला बनाते हैं, उसको चिपका करके रखने के लिए, ताकि वह चिपका रहे, मजबूत बना रहे। यदि ईंट के ऊपर ईंट रखता चला जाए और उसमें मसाला ना लगाया जाए तो क्या होगा? यह मकान भरभरा करके गिर पड़ेगा। इमारत हम मकान तैयार नहीं कर सकते हैं। हम घर मकान नहीं बना सकते हैं बिने मसाले के। मसाला लगाए हैं क्योंकि वह चिपका रहे और उसका जोड़ मजबूत हो, तब यह इमारत खड़ा होता है, ये मकान खड़ा हुआ। हम सब ने मकान बनाया है, सबने अपने अपने लिए मकान बनाए, लेकिन मकान बनाने के बाद में उसे घर भी बनाना है। मकान और घर अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। मकान में का अर्थ बताया मैंने, जहाँ चूना, सीमेंट, छड़, रेत, गिट्टी से बना हो उसे मकान कहा जाता है, घर नहीं कहा जाता है। घर उसे कहा जाता है जहाँ आपस में भाई भाई, देरान, जेठान, सास बहू, बेटे, माँ बाप, आपस में पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, जहाँ शालीनता से जीवन जीते हैं, जहाँ मुस्कुरा करके जीते हैं, उस जगह को घर कहा जाता है, मकान नहीं कहा जाता है। इस मकान को मजबूत बनाने के लिए जैसे मजबूत मसाला डाला गया, मजबूत अच्छे मसाले का उपयोग किया गया, ठीक ऐसे ही घर को मजबूत रखने के लिए क्या करना होगा? घर को मजबूत रखना मतलब आदमी से आदमी को जोड़ना, परिवार से परिवार के सदस्यों का मेल मिलाप होना, परिवार के सदस्यों में एकता होना, परिवार के सदस्यों में प्रेम होना, परिवार के सदस्यों में आपस में बड़ों के लिए सम्मान होना, छोटों के लिए प्रेम का भाव होना, इसके लिए क्या चाहिए? जैसे मकान में मसाला लगता है ईंट को जोड़, ईंट के ऊपर ईंट है उसको जोड़ने के लिए, ठीक ऐसे ही घर को बनाने के लिए, परिवार को बनाने के लिए प्रेम रूपी मसाला चाहिए।
यदि प्रेम रूपी मसाला नहीं है तो हम कितने ही लाखों और करोड़ों की मकान बना ले, यह मकान मकान रह जाएगा, घर नहीं बन पाएगा और हम सुंदर जीवन नहीं जी सकते हैं। इसलिए हमको मकान को घर बनाना है। एक आदमी 50,000 में भी टीन का सेट खड़ा करता है और आपस में प्रेम से रहते हैं, उसको भी घर कहा जाता है। जहाँ प्रेम से रहते हैं उसको भी घर कहा जाता है। 50,000 में टीन का सेट खड़ा कर लेते हैं, अगर यदि प्रेम से रह रहे हैं तो वह घर बन जाता है। और करोड़ों और लाखों और करोड़ों रुपया भी लगाए हैं और आपस में प्रेम नहीं है, आपस में स्नेह नहीं है, आपस में मान और सम्मान का भाव नहीं है, बड़ों के लिए आदर का भाव नहीं है, तो हम मकान सिर्फ नरक का द्वार हो जाता है, घर नहीं बन पाता है। घर नहीं बन पाता है, सिर्फ खंडहर रहता है। वो खंडहर रहता है, जैसे खंडहर किसे कहते हैं, जहाँ सुना साना हो उस जगह को खंडहर कहते हैं, कोई नहीं रहते हों। अब आपस में प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा, घर के घर में सदस्य हैं सभी सदस्य, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है तो घर सुना सुना लगेगा। कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाहेंगे, एक दूसरे को प्यार नहीं देना चाहेंगे, बड़ों को सम्मान नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि वो घर नहीं बनाए उन्होंने तो मकान बनाया। और मकान बनाने का मतलब होता है, हम यदि हम घर नहीं बनाए सिर्फ मकान बनाए तो हमने धन को महत्व दिया, जन को महत्व नहीं दिया हमने। यदि जन को महत्व देते, धन को महत्व तो देना है लेकिन उससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण है जन को महत्व देना। जन को महत्व देना मतलब होता है घर के सदस्यों को सम्मान देना, बड़ों को आदर देना, छोटों को प्रेम देना, ये है घर बनाने का तरीका। हम जितना ही प्रेम रूपी मसाला लगाते हैं, जितना ही अधिक प्रेम रूपी मसाला लगाते हैं, उतना ही मजबूत आपका घर बनता चला जाता है, उतना ही मजबूत आपका घर बनता चला जाता है। और प्रेम के अभाव में बड़े बड़े घर टूटते चले जाते हैं। आप देखे होंगे कई घर बिखर जाते हैं, कई परिवार बिखर जाते हैं, घर बेघर हो जाते हैं। किसके अभाव में? प्रेम के अभाव में, संपत्ति के अभाव में नहीं, मकान के अभाव में नहीं। रहने के लिए जगह है उनके पास, पर्याप्त जगह है, एक मकान है जहाँ 10-10, 20-20 कमरे हैं, लेकिन 10-10, 20-20 कमरे में 10-20 आदमी नहीं समा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेम रूपी मसाला नहीं है, सिर्फ मकान बनाया गया है, वहाँ घर नहीं बनाए हैं। और घर नहीं बनाए इसलिए वह घर टूट रहे हैं, घर बिखर रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं। कितने घर को टूटते हुए उजड़ते हुए देखा गया है। ऐसे इसलिए हम सबको महत्वपूर्ण देना चाहिए घर बनाने का। यदि आपके पास पैसा है, संपत्ति है, तो आप घर तो बनाइए, घर तो है साथ साथ में मकान भी बनाइए। और संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी आप घर बना सकते हैं। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो आज भी झोपड़पट्टी में रहते हैं और सुख चैन के नींद सोते हैं। बहुत से लोग हैं झोपड़पट्टी में रहते हैं, आराम से सो लेते हैं और ज़िंदगी कट जाती है उनकी। लेकिन बहुत से लोग हैं जो राजमहलों में रहते हैं, घर हर कमरे एसी, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मैं कह रहा था मकान तो बहुत देखे हैं, लेकिन 10-10, 20-20 कमरे रहने के बाद में 10-20 आदमी उस घर में नहीं समा पाते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने मकान तो बनाया, धन को महत्व दिया, जन को महत्व नहीं दिया, प्रेम को महत्व नहीं दिया, घर के सदस्यों को महत्व नहीं दिया, तो वह घर उजड़ते चला गया। आप बहुत से घर देखते होंगे, बड़े बड़े बंगले देखे होंगे, ऐसे ऐसे भी लोग देखे होंगे जो एक भाई मस्त ऐसी बंगले में रहते हैं, दूसरे भाई बगल में झोपड़पट्टी बना करके रहते हैं। अपने ही भाई के लिए दो पलंग बिछाने के लिए उनके घर में जगह नहीं होता है। क्यों जगह नहीं है? क्योंकि प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, इसलिए सब कुछ अभाव, सब कुछ टूटता चला जाता है, सब कुछ बिखरता चला जाता है। प्रेम में वो ताकत है कि सब कुछ को जोड़ता चला जाता है। प्रेम है तो परिवार चलता है, प्रेम है तब गांव चलता है, प्रेम है तब
राज्य चलता है, प्रेम है तब देश चलता है, प्रेम है तब राष्ट्र चलता है। प्रेम के अभाव में सब उजड़ते हैं, प्रेम के अभाव में सब बंदूकें ताने खड़े होते हैं, सब एक दूसरे को उंगलियां दिखाते हैं प्रेम के अभाव में। और प्रेम है तो जिसके पास में दो वक्त की रोटी है वो भी एक रोटी अपना खाएगा तो एक रोटी अपने साथी को देता है। इसलिए हम मकान बनाएं लेकिन साथ साथ में घर भी बनाएं। घर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मकान महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत से बंगले खाली पड़े हैं, बहुत से मकान खाली पड़े हैं, उसका कौन सा महत्व है? कौन उसको आदर सम्मान देते हैं उस मकान को? कोई नहीं। लेकिन जिस घर में आपस में भाई भाई, सास बहू, देरान जेठान, घर के सदस्य आपस में प्रेम से रहते हैं उस घर का वैभव बढ़ जाता है। लोग कहते हैं किनके यहाँ है कि उसके घर वाले के हैं, उसके घर के यहाँ के हैं, बड़ा नाम से नाम के साथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस घर के रहने वाले सदस्यों में आपस में प्रेम है, आपस में स्नेह है। यदि हमने जन को महत्व दिया तो हमारा जीवन सुंदर होगा, और धन को महत्व दिया तो हमारे सुख सुविधाएँ तो बढ़ जाएगी लेकिन सुख नहीं बढ़ सकता है, शांति नहीं बढ़ सकती है। यदि हमने जन धन को महत्व दिया तो सुख और शांति नहीं बढ़ सकती है, सुविधाएँ बढ़ जाएगी, शारीरिक सुख मिल सकता है लेकिन मन की बेचैनी से बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता है, मन की पीड़ा से बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता है। मन की पीड़ा को समझना चाहिए, मन की बेचैनी को समझना चाहिए। और घर के सदस्य क्या चाहते हैं? आपस में प्रेम चाहते हैं, आपस में स्नेह चाहते हैं। घर के बुजुर्ग होते हैं, सास बहू होते हैं, आपस में प्रेम से रहे तो घर स्वर्ग बन जाता है। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको संपत्ति नहीं चाहिए। उनको वो नहीं कहते हैं कि मेरे कमरे में एसी लगा दो, वो ये नहीं कहते हैं, बस उनको प्यार के बोल चाहिए, बस प्यार के मीठे वचन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस दो वक्त की रोटी और प्यार के बोल चाहिए, इतना ही में घर सुंदर बनता है। बहुत बड़े मकान बनाने से घर सुंदर नहीं बनता है। एक चीज़ और याद देंगे, घर को सजाना और घर को संवारना ये बहनों के हाथ में होता है। भाई करते क्या हैं? नौकरी जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, खेत खलिहान जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, लाते हैं, जो चाहिए आप करते हैं। लेकिन घर को कितना अच्छा बनाना है, कितना अच्छा सजाना है, कितना अच्छा संवारना है। मतलब सजाना और संवारना का मतलब ये नहीं कि डाइनिंग सेट हो, सोफ़ा सेट हो, ये सब चीज़ नहीं। इससे घर सस्ता संवरता नहीं है, ये दिखने का चीज़ है। ये दिखने से सजना और संवरना नहीं होता है। आपके पास सब कुछ हो, सोफ़ा सेट हो, डायमंड सेट हो, सब कुछ है और माइंड अपसेट हो तो क्या मतलब है? सब कुछ बेकार चला गया। इसलिए घर को सजाना और संवारना बहनों के हाथ में है। यदि बहनें आपस में प्रेम से रहना सीख जाती है, देरान और जेठान, उस घर का माहौल आप जा करके देख लीजिए। आप जिस घर में देरान और जेठान आपस में प्रेम से रहते हो उस घर के माहौल अलग होगा, उस घर के बच्चों का संस्कार अलग होगा, उस घर के बच्चे संस्कारी होंगे, प्रेम की भाषा सीखेंगे। और साथ साथ इतना ही नहीं, देरान और जेठान आपस में प्रेम है तो निश्चित ही जानिए कि भाई भाई में प्रेम रहेगा, एकदम निश्चित है। लेकिन भाई भाई में प्रेम हो तो देरान और जेठान में प्रेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब अधिकतम घरों में देखे होंगे भाई भाई तो आपस में प्रेम से रहते हैं लेकिन देरान जेठान नहीं रहते हैं। लेकिन देरान और जेठान जहाँ प्रेम से रहते हैं वहाँ भाई भाई प्रेम से 99% आप देखेंगे रहेंगे। इसलिए प्रेम की ज़रूरत है। किसी ने कहा है कि घर आदमी बच्चे को अपने गाड़ी दे देते हैं, कार दे देते हैं, बंगले दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, अच्छे अच्छे गाड़ियाँ खरीद देते हैं, कार खरीद देते हैं। किसी संत ने कहा बच्चे को कार बंगले सब नहीं चाहिए, बच्चे को संस्कार चाहिए। किसी संत ने कहा है पुत सपुत का धन संचय और पुत कपुत का धन संचय। यदि पुत्र सपुत्र है तो उसकी धन संचय की चिंता क्यों करते हो? यदि तुम्हारा पुत्र सुपुत्र निकलता है तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, अपना राजमहल खुद तैयार करेगा, अपना विरासत खुद बनाएगा। यदि पुत्र सुपुत्र निकला तो, और यदि पुत्र आपका कुपुत्र निकलता है तो आप जितना ही इकट्ठा कर ले जीवन भर मर मर के कमाएंगे आप, कुछ ही सालों में खा पी करके
फूक देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, जुआ में, शराब में, कबाब में, यूं ही ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे और सब कुछ बर्बाद कर देंगे। इसलिए आप सहज होकर के, आपके पास इकट्ठा होता है, संपत्ति इकट्ठा करिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप अपने बच्चे को संस्कार दीजिए। आज माता पिता के हर बच्चे के माता पिता के मन में एक भाव होता है कि मेरे बच्चे अच्छे पोस्ट पर जाए। 90% माँ बाप के मन में भाव होता है कि मेरे बच्चे अच्छे पोस्ट पर जाए, नौकरी लग जाए, और उसके लिए खूब पढ़ाते लिखाते हैं, पूरी अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई झोंक देते हैं उसके नौकरी लगाने के लिए। यदि कोई कहते हैं कि उसकी नौकरी लगने वाली है 10 लाख रुपया, तो वहाँ भी वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर माँ बाप के मन में सोच है और चाहते हैं मेरे बेटे अच्छे नौकरी लगे, अच्छे पोस्ट में जाए, अच्छे पैसा कमाए। बदौलत क्या मिलता है पता है आपको? बदौलत आपके बच्चे अच्छे पोस्ट में जाते हैं, अच्छे नौकरी में जाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतना पैसा कमाते हैं कि एक दिन वो अपने माँ बाप को चिन्हना भी भूल जाते हैं, अपने माँ बाप से लोगों को मिलाने में शर्म महसूस करते हैं, इतने बड़े पोस्ट पर चले जाते हैं। क्योंकि आपने उसको सिर्फ डिग्रियाँ दी हैं, आपने सिर्फ उसको पैसा कमाने का तरीका बताया है, आपने संस्कार के बारे में कभी उनको बताया है? आपने कभी बच्चों को कहीं संतों के पास ले जाने के बारे में सोचे हैं? कहीं मेडिटेशन कराने के लिए सोचे हैं? इस बारे में कोई ख्याल नहीं है। 5% माँ बाप के मन में ये ख्याल नहीं है कि मेरे बच्चे नौकरी लगे या ना लगे, कम से कम एक अच्छा इंसान तो बन जाए। नहीं है किसी के मन में ख्याल। यहीं बैठे हैं, कोई नहीं अपने बच्चे को कहते होंगे तुम्हारी नौकरी लगे या ना लगे वो तो जाए, लेकिन तुम अच्छा आदमी बनो, कोई नहीं बोले होंगे अपने बच्चे को। अच्छा आदमी बनना महत्वपूर्ण है। पैसा से, नौकरी से यश कुछ देर मिलता है। प्रधानमंत्री है, 5 साल तक सम्मान मिलेगा, एक किनारे कर दिए जाएंगे, सम्मान घट जाएगा, यही स्थिति है पद की। लेकिन यदि व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, अपना महानता खुद हासिल करते हैं, चरित्रवान होते हैं, विचारवान होते हैं और मनुष्यता उनके अंदर होती है, तो वो जन्म और जन्म मृत्यु तक चलता है। वो हमको अपने जीवन को कितना अच्छा बनाना है अपने ऊपर है। किसी संत ने कहा है हमको जीवन में एक वक्त मिलता है, हमारा जन्म प्रकृति के अनुसार से होता है और मृत्यु भी समय आने पर हो जाता है, लेकिन जीवन कैसे जीना है ये अपने ऊपर रहता है। जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन हमारे हाथ में है, कैसे जीना ये हमारे हाथ में है। और जीना ही जीवन है। जितना अच्छा हम जीते हैं उतना ही हमारा जीवन है, मान के चलिए आप। जितना समय हम सदुपयोग करते हैं, जितना समय हम अपने को अच्छे मार्ग में ले जाने के लगाते हैं, उतना ही समय हमारा सार्थक जाता है, बाकी हम जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। कैसे बर्बाद करते हैं? जैसे आपने 5 मिनट जा करके किसी के साथ झगड़ा हुए, लड़ाई हुए, गाली गलौज दिए, मतलब आपने अपने ज़िंदगी के 5 मिनट खो दिया। आपने 5 मिनट खो दिए। आपने, आपको फिर से कहूँ मैं, वो 5 मिनट आप लौटा करके ला लीजिए, नहीं ला सकते आप, कदापि नहीं ला सकते आप। आपका 5 मिनट गया, आपके जीवन का 5 मिनट खत्म हो गया। आप उसको चाह करके नहीं लौटा सकते, लाखों और करोड़ों लगा करके उस 5 मिनट को आप वापस नहीं ला सकते हैं, उस वक्त को समय वापस नहीं ला सकते हैं। और जिस 5 मिनट में आपने खुरापात किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, वो 5 मिनट आपको 5 साल 25 साल तक घेरेगा। आपको, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, वो बार बार आपके दिमाग में आएगा और अपनी ज़िंदगी को यूँ टीसते रह जाएंगे आप, यूँ टेसते रह जाएंगे अपने ज़िंदगी को, यही मन में एक पीड़ा बने रह जाएगी कि मुझे जैसे करना चाहिए था नहीं कर पाया, मुझे जैसे जीना चाहिए था नहीं जी पाया। मैंने पैसा तो कमाया, परिवार तो कमाया, पद तो मिला, लेकिन मुझे ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहिए था शायद मैंने हासिल नहीं कर पाया, जो मुझे बच्चों को संस्कार के बारे में बताना चाहिए था वो बातें मैंने बच्चों को नहीं बता पाया। हर माँ बाप क्या बताते हैं? बेटा अच्छा पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी पर जाओ
और इतना अच्छे नौकरी में जाते हैं कि मैंने कहा आपके लिए समय नहीं रहते हैं। जब आप कहते हैं बेटा आ जाओ घर में कुछ देर रहे, तो कहते हैं माँ पापा मेरे पास समय नहीं है। कहते हैं बेटा बुढ़ापा की अवस्था है, भोजन बनाने वाले कोई नहीं है, तुम लोग आ जाओ या तुम्हारे पास हम लोग आ जाते हैं तो अच्छा है। तो क्या कहते हैं आपके बच्चे, पापा मम्मी तुम दोनों वृद्धाश्रम चल दो, मैं वहाँ पैसा भेज दूँगा, सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा वहाँ, आपके लिए पास आपके पास टाइम नहीं है भा उनके लिए, आपके लिए आप उनके पास टाइम नहीं रह गया। क्यों ये सारी बात क्यों होता है? क्योंकि आपने जो दिया वही सीखा है, वो आपने पद दिया उनको, पैसा दिया, वैभव दिया, वो चीज़ कमाया, वो आप जो जिस जो योग्यता चाहते थे अपने बच्चे में वो योग्यता मिला उनको और वो योग्यता का उपयोग कर रहा है। आपने कभी तो ये नहीं कहा कि देखो संस्कार की बातें सुनो, अच्छे इंसान बनो, महान इंसान बनो, यदि अच्छे पढ़ लिख नहीं पाते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम इंसान तो अच्छे बनो, कभी संतों की सत्संग सुनो, आपने कभी ये चीज़ नहीं कहा, जो चीज़ कहा वही मिला आपको। इसलिए आज भी अवसर है, अपने बुढ़ापे को सुखद बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन को सुंदर बनाइए, अच्छे अच्छे मकान बनाइए, घर में एसी हो, गाड़ियाँ एसी हो, सब कुछ अच्छे हो, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपके बच्चे संस्कारवान हों। यदि आपके बच्चे साइकिल में भी चले, आप कार नहीं देते हैं और संस्कार देते हैं और साइकिल में भी चले, तो भी व्यक्ति महान कहलाएगा, तो भी व्यक्ति महान कहलाएगा। लोग नाम लेंगे किनके बच्चे हैं, नाम लेंगे उनके बच्चे हैं, और आपके बच्चे पैसा खूब कमाया लेकिन खूब जुआ खेलता है, खूब शराब पीता है, तो कहेंगे किनके बच्चे हैं? अरे उनके बच्चे हैं, खूब शराब पीते हैं, खूब जुआ खेलते हैं। क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला, हासिल आया जीरो। आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, अंतिम में आप हाथ मलते मलते रह जाएंगे। इसलिए आपके बच्चे योग्य है, पढ़ाइए लिखाइए, ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है आज के ज़माना में, अच्छे पोस्ट पर जाए, अच्छे पैसा कमाए, बिना पैसा के कुछ भी नहीं हो सकता, मैं ये भी चीज़ बताता हूँ, मैं बिना पैसा के आज कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन यदि संस्कार नहीं है तो कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कुछ देर पैसा से चमक दमक दिखेगा, कुछ देर वैभव मिलेगा, कुछ देर पैसा से मान सम्मान मिलेगा, लेकिन जीवन में जो आत्म शांति चाहिए ना वो नहीं मिल पाएगा, पैसा से नहीं मिलता है। यदि पैसा से मिलता तो आपके पास 1 करोड़ रुपया हो और उस 1 करोड़ रुपया को आप छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर चले जाइए, चाहे भारत की राजधानी दिल्ली चले जाइए और वहाँ कहिए मेरे पास में 1 करोड़ रुपया है, इस 1 करोड़ रुपये से मुझे 1 तोला सुख दे दो, कहेंगे आदमी कहीं पागल तो नहीं हो गया, और शायद हम सब के सब पागल हैं। वही सुख से पैसा चाहते हैं हम, वही सुख से पैसा खरीदना चाहते हैं, वही सुख से सम्मान पाना चाहते हैं, वही सुख से प्रेम चाहते हैं, पैसा से नहीं मिलेगा। पैसा से मिलता ना तो आज गरीबों और संतों के किस्मत में सुख और शांति होता ही नहीं। क्या होता ये? बड़े बड़े लोग हैं ना, पैसा से सुख और शांति को खरीद करके अपने गोदाम में भर के रख लेते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम निराला है कि पैसा से बिकता नहीं है, ये आपस के प्रेम से जीने से बिकता है, आपस में आप स्नेह होने से बिकता है। जितना ही इसको बांटो उतना ही फैलता जाता है, उतना ही बढ़ता जाता है, ये भी नियम है। ये गणित के नियम के अनुसार से आपके पास में यदि 100 रुपया है और 100 रुपया में 50 रुपया किसी को देते हैं तो आपके पास 50 रुपये ही बचता है, लेकिन अध्यात्म के नियम के अनुसार से यदि आपके पास में प्रेम है और उस प्रेम को जितना ही बांटते हैं उतना ही चौगुना बढ़ता जाता है, वो घटता नहीं है, गणित के हिसाब से घटता है, लेकिन अध्यात्म की परिभाषा में अध्यात्म का जो प्रेम है, निष्ठा है, आपस में सम्मान है, बड़ों के लिए छोटों के लिए आदर का भाव है, वो बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए सुंदर मकान बनाएं और साथ साथ संस्कार की बातें अपने बच्चों को सुनाएं। कभी कभी कोई भी मतपंथ के संत हो, कोई भी संप्रदाय के संत हो, सभी मतपंथ के संप्रदाय संतों से जुड़े, लेकिन स्वच्छ ज्ञान से जुड़े, स्वच्छ विचार से, कर्मकांड से नहीं, पाखंड से नहीं। आज भारत देश ऐसा देश है जहाँ कर्मकांड इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, हर जगह मोक्ष बांट रहे हैं, हर जगह मुक्ति दे रहे हैं, ये यज्ञ कराओ, ये पूजा कराओ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सब बकवास है।
ये सब लूटने का तरीका है। आदमी से बढ़ करके देवता कोई नहीं है, इस चीज़ को और जानिएगा आप लोग। इंसान से बढ़ करके भगवान कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई देवी देवता नहीं है और इस दुनिया में इंसान ही महान है, इंसान से बढ़ करके और कुछ भी नहीं है। लेकिन आदमी विज्ञान पढ़ता है, विज्ञान का लेक्चरर भी हो जाता है और कॉलेज में जब स्पीच देता है तो कहता है पानी क्यों गिरता है जानते हो, कारण कार्य व्यवस्था से गिरता है पानी। लेकिन जब पानी नहीं गिरता है तो वही विज्ञान का लेक्चरर जा करके मंदिर में जा करके पूजा करता है। ऐसी स्थिति है भारत की। इसलिए इस दुनिया में इंसान से बढ़ करके भगवान कुछ भी नहीं हो सकता है। और सही ज्ञान को समझे, एक जिन विचारों से आप जुड़ रहे हैं अभी, जिन संतों और गुरुदेव जी का आगमन हुआ है, एक ऐसा स्वच्छ निष्पक्ष ज्ञान है जहाँ कर्मकांड नहीं। हमारे यहाँ कोई कर्मकांड नहीं है, कोई यज्ञ में, कोई पूजा में, कोई जप में, कोई तप में, कोई मुक्ति और मोक्ष की परिभाषा हमारे यहाँ नहीं मिलती है। हमारे यहाँ कर्मों पर जोर दिया जाता है। जिसका कर्म अच्छा होता है उसका जीवन अच्छा होता है। हमारे यहाँ इंसान को भगवान मानते हैं, संत गुरुजन ही आदरणीय होते हैं, इससे बढ़कर के भगवान और कुछ नहीं होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य आदमी, जो आदमी खाते हैं उनका अन्न छीना जाता है और जो नहीं खाते हैं उनको भोग चढ़ाया जाता है। जो नहीं खाते हैं उस मंदिर में जा करके पत्थर के देवी और देवता के पास में नाक रगड़ते हैं और जो क्षमा कर सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, स्नेह दे सकते हैं, उनसे तमाचा देते हैं, उनको अनादर करते हैं। ये भारत कैसा पतन की ओर जा रहा है। इसलिए एक निष्पक्ष, आज हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे गुरु है जो कि एक व्यापार चल चुका है। हमारे मंदिर में आओ, हमारे गुरु से जुड़ो, हमारे यहाँ यज्ञ कराओ, हमारे गुरु को ले जाओ तो तुम्हारे घर की शांति अशांति भंग हो, अशांति शांति में आ जाएगी, आपका घर का माहौल बदल जाएगा, आपके घर में प्रेम बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। ये गुरुओं का बिजनेस चल रहा है आज, कुछ नहीं होने वाला है ये सबसे। आपका कर्म अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। फिर आप कैसे भी मकान बनाइए, कोई भी दिशा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मकान ऐसा हो कि आपके मकान में हवा अच्छा आए, प्रकाश अच्छा आए, फिर कोई दिशा शुल्क कोई मतलब नहीं है फिर। इसलिए आप सुंदर घर बनाइए, साथ साथ में अपने बच्चों को संस्कार के बातें बताइए, संतों को बुलाइए और निष्पक्ष ज्ञान से जुड़े। कबीर पारक संस्थान का एक विचार है जो कि हम लोगों को निष्पक्ष लगता है, आप लोगों को भी यदि निष्पक्ष लगता हो तो इन विचारों से आप जुड़िए। लेकिन आप पहले परखिए, यदि सही लगता है तब, और नहीं लगता है तो जहाँ सही लगता है वहाँ जाइए आप। मैंने कुछ देर तक घर कैसा होना चाहिए, घर का निर्माण कैसे होता है और घर सस्ता और समर्थता कैसे है, इस पर मैंने कुछ देर बोलने का प्रयास किया। अब हमारे बीच कुछ देर में गुरुदेव जी आएंगे, तब तक हमारे बीच संत श्री करमचंद साहब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।